हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टे होम एंड कीप लर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। 2021 में क्या सिलेबस होगा, इस बार के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या सिलेबस होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको झारखंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में जानना है, बुक्स कौन सी चाहिए और कौन सा कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और कौन से बच्चे एलिजिबल हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए, अगर आपको इन सब के बारे में जानना है, डिटेल्स में जानना है, तो आप कमेंट में कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो चलिए सिलेबस के लिए बात करते हैं। सिलेबस क्या होगा एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में सिलेबस मैं नीचे में बताऊँगी। पहले जानते हैं मोड ऑफ द एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ओके, पेपर पेन वाली होगी या कंप्यूटर बेस्ड होगी। तो एग्ज़ाम का मोड क्या होगा, ऑनलाइन बेस्ड होगा और वो सीबीटी बेस्ड होगा, मींस कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ओके, एंड सेक्शन कितने रहेंगे, 4 सेक्शन रहेंगे, मतलब 4 सेक्शन होंगे। उसमें नेम ऑफ सब्जेक्ट, तो कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स से आएंगे, केमिस्ट्री से आएंगे, बायोलॉजी से आएंगे, मैथमेटिक्स से आएंगे। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे ईच सेक्शन से। ओके, फिजिक्स से 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन एंड बायो से 50 क्वेश्चंस एंड मैथमेटिक्स से 50 क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस के टाइप्स कैसे होंगे, तो क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होंगे। आपको फोर ऑप्शन दे दिया गया होगा एक क्वेश्चन के लिए, जो भी आपको आंसर राइट लगे आप उसके लिए ABCD फिल कर सकते हो। ओके, चूज कर सकते हो। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है 3 आवर होंगे PCM के लिए और PCB ग्रुप के लिए। PCM और PCB के लिए 3 आवर होंगे, जिनका PCM था 12th में, मीन्स इंटर में, तो उनका जो है 11 और 12 बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ओके, एंड मैथ्स जो होंगे वो 10th बेस्ड होंगे, इजी रहते हैं मैथ्स, अलजेब्रा वगैरह जो भी है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कोई भी कंपटीशन की बुक्स लेनी है वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो मैथ्स के लिए। एंड 4 आवर होते हैं PCMB के लिए, जो PCM ग्रुप वाले हैं उनका 4 आवर होता है। ओके, एंड बात करें मार्किंग स्कीम की, तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, मीन्स 1/4। ओके, फॉर ईच करेक्ट आंसर 1 मार्क्स विल बी अवार्डेड। ओके, हर करेक्ट आंसर के लिए आपको एक मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, मीन्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ओके गाइस, एंड अगर आपके एक आंसर सही होते हैं तो आपको एक मार्क्स मिलेंगे, मीन्स 1 मार्क्स। ओके, एंड आपके एक आंसर गलत होते हैं तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, मीन्स कट कर दिए जाएंगे। और एग्ज़ाम लैंग्वेज क्या होगा, तो आपको जिस भी लैंग्वेज में आपने पढ़ाई की है, इंग्लिश में पढ़ाई किया है, हिंदी में पढ़ाई किया है, तो आप हिंदी में पढ़ाई किया है तो आप हिंदी मोड में एग्ज़ाम दे सकते हो, इंग्लिश में किया है तो इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ में आती है तो आप उस लैंग्वेज में दे सकते हो। वैसे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, बट अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो आप हिंदी भी टच कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपके क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं। ओके, अब हम सिलेबस देखते हैं, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। ओके, तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आएंगे टॉपिक्स हैं ये। ओके, ये चैप्टर्स के नाम हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ा होगा 11 और 12 में। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आएंगे क्वेश्चंस, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से आएंगे क्वेश्चंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इससे क्वेश्चंस आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं एंड ऑप्टिक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा। करंट इलेक्ट्रिसिटी इससे क्वेश्चंस आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चंस आएंगे एंड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर्स, एटम,
एंड न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो ये जो है ये फिजिक्स के हैं, ये फिजिक्स से इस इतने टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, ये चैप्टर्स के नाम हैं। एंड केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ये चैप्टर्स हैं सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ लिमिट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स से क्वेश्चंस आएंगे, डी एंड एफ ब्लॉक से क्वेश्चंस आएंगे, आपने पढ़ा होगा 11th और 12th में, कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड से क्वेश्चंस आएंगे, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स से क्वेश्चंस आएंगे, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर, ओके, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चंस आएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चंस आएंगे, बायोमोलिक्यूल्स, बायो मोलिक्यूल्स से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजी में भी हेल्पफुल रहेगा और केमिस्ट्री में भी हेल्पफुल रहेगा। तो ये शायद 12th के बुक में होगा बायोमोलिक्यूल्स, तो आपको इससे कर लेना है प्रैक्टिस, इससे क्वेश्चंस आते हैं। पॉलीमर्स से क्वेश्चंस आएंगे एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, ओके, एंड मैथमेटिक्स से क्या क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स से किस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, ओके, तो रिलेशंस एंड फंक्शंस से क्वेश्चंस आएंगे, एलजेब्रा हुआ, कैलकुलस से आएगा, 3D एंड वेक्टर्स एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैलकुलस, वेक्टर एंड 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ओके, नो इशू। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अलजेब्रा से आएंगे, एवरेज से भी क्वेश्चंस आएंगे एंड स्पीड हुआ, टाइम हुआ, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। एंड बायोलॉजी से क्वेश्चंस आएंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन से क्वेश्चंस आएंगे एंड जेनेटिक्स से, ओके। तो फ्रेंड्स, ये हुए आपके सिलेबस और किस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, ओके। तो आपको मैं एक बुक बता देती हूँ जिससे कि 10 क्वेश्चंस तो पक्के आते हैं, वो है लूसेंट। लूसेंट साइंस की जो बुक होती है वहाँ से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिल जाएंगे, ओके। उससे 10 क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, मैंने जो प्रिपरेशन करवाई थी उसमें भी क्वेश्चंस आए थे, वहाँ से क्वेश्चंस आए थे। मैंने लास्ट में बोला था कि वहाँ से पढ़ लो, काफ़ी बच्चों ने नहीं पढ़ा था बट क्वेश्चंस वहाँ से आए थे, ओके गाइस। तो आपको ऑफिशियल नोटिस का इंतज़ार करना है, अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि कब एग्ज़ाम होगा, कब एप्लीकेशन फिल होगा, तो क्योंकि कोरोना चल रहा है तो अभी कोई फिक्स नहीं है। पिछले बार बहुत ही लेट एग्ज़ाम हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई एंड तक में ऑफिशियल नोटिस आ जाए, ओके गाइस। तो फ्रेंड्स, आपको लूसेंट से तो पढ़ना ही है, आपके पास जो भी 11th और 12th की बुक है एंड आजकल जो SSC और बैंकिंग नॉट SSC में जो मैथमेटिक्स की बुक्स होती हैं कंपटीशन लेवल के, आप वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। जो PCM होते हैं, PCM वाले, PCB वाले, ठीक है, उन लोगों की हल्के क्वेश्चंस होते हैं, एलजेब्रा से होंगे एंड टाइम हुआ, स्पीड हुआ, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको उस बुक से प्रिपरेशन कर सकते हो मैथमेटिक्स के लिए, और सबके अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, सबके क्वेश्चंस अलग अलग लेवल के होते हैं। तो आपको मैं एक चीज़ और दिखा देती हूँ, जस्ट मोमेंट। तो ये वीडियो मैंने, ये जो आप फोटोज़ देख रहे हो ना, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, ये पिछले बार मैंने सिलेबस बनाई थी, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो, उससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी, हेल्प मिलेगी, ओके, वो वीडियो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। तो गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करो, कमेंट करो, फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो, तो मैं वहाँ पे अवेलेबल रहती हूँ, या तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, स्टे होम एंड कीप लर्निंग सर्च करना, ऑटोमेटिकली मिल जाऊँगी, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।